उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की बाबूगंज एंधी टोल प्लाजा पर रिटर्न पर्ची को लेकर टोल प्लाजा और मैनेजर कक्ष में दर्जनों युवकों ने घुसकर लाठी डंडों से कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी। घटना के मुताबिक अमेठी बाबूगंज की टोल प्लाजा पर आज सुबह कुछ लोगों ने रिटर्न पर्ची को लेकर बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल फास्टैग के नए नियम के मुताबिक इस पर्ची में रिटर्न पर्ची ना देने का ऑप्शन बनाया गया है, क्योंकि परिवहन मंत्रालय चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फास्टैग का यूज़ करें। इस बात को लेकर उन लोगों ने टोल प्लाजा कर्मचारियों से गाली गलौज करनी शुरू कर दी। बीच बचाव में आए टोल प्लाजा कर्मचारियों ने उनकी बातचीत मारपीट तक पहुंच गई और देखते देखते बात इतनी बढ़ गई कि कुछ देर में दर्जनों लोग वहां पर पहुंच गए और उन लोगों ने लाठी डंडों से टोल प्लाजा के 5 कर्मचारियों को जमकर पीटा। उन लोगों ने मैनेजर कक्ष में बैठे हुए 2 कर्मचारियों को पीटा। गांव वाले आकर पर्ची के लिए रिटर्न पर्ची के लिए झगड़ा कर रहे थे, रिटर्न चाहिए रिटर्न चाहिए, तो फास्टैग के कारण रिटर्न पर्ची बंद है। तीन लोग समझ जाएंगे जब हमें रिटर्न का प्रॉफिट तभी मिलेगा जब हम फास्टैग लगवाएंगे तब। उस बात को समझ नहीं, उसके बाद लड़कों से हाथापाई शुरू कर दिया, गाली गलौज करना, फिर उसके बाद अंदर आके कंट्रोल रूम में लड़कों को पिटाई की और उसके बाद बोलेंगे जब तक प्रशासन है तब तक तो तुम सेफ हो, उसके प्रशासन के जाने के बाद हम दोबारा फिर आएंगे और फिर मार करेंगे। यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और टोल प्लाजा पर मारपीट की सूचना पुलिस को जैसे ही मिली वो जांच पड़ताल करने पहुंच गई। उसने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है। कुछ लेन देन के लिए विवाद हुआ था जिसमें आज सुबह एक वीडियो आया जिसमें कि कुछ 3-4 लोग मारते पीटते दिख रहे हैं टोल कर्मियों को। इस संबंध में टोल कर्मियों को ला करके उनसे एक तहरीर प्राप्त कर ली गई है और उस पर FIR पंजीकृत की जा रही है। जो चोटे हैं उनके इलाज कराया जा रहा है। अमेठी से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।